Qasim, kenapa kamu tidak mengklaim saja sebagai sesuatu? अब इसमें ये है कि जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किया है ना, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, यानी एंड ऑफ टाइम की जो हदीस है वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं थी पढ़ी ना, शायद कोई सुनी हो, मैंने वो जो शाहिद मसूद की वीडियो देखी थी, तो वो भी इतने साल बाद पता नहीं मुझे कितना के याद रह जाता है बंदे को। तो जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो वो फिर जब जो लोग जिन्होंने सुने ड्रीम्स, तो वो कहते हैं कि यार तुम तो तुमने ये ख्वाब अपनी तरफ से बना ली हैं और तुम शो ये करना चाह रहे हो कि तुम ही मामदी हो, और इनडायरेक्टली तुम कह रहे हो, खुद नहीं कह रहे। तो फिर मैंने यानी जब देखा कि मैंने ये एक बंदे ने बताया, फिर दो तीन, मैंने कहा काफ़ी इस तरह के बंदे जो हैं वो बात कर रहे हैं, तो आखिर फिर वो कुछ ने हदीस का रेफरेंस भी दिया हुआ था इस तरह से, तो फिर मुझे पता चला थोड़ा सा। फिर इवन एक ड्रीम था वो तो मैंने शेयर भी कर दिया हुआ था, वो मेजर साइंस के हवाले से था, तो उसका जब मुझे पता चला कि जी पहली निशानी तो ये है भरी निशानी, तो मैंने कहा ये क्या, तो फिर मैंने उसको प्राइवेट किया, और जो बाकी के ड्रीम्स थे जो मैंने शेयर किए हुए थे उनको भी फिर मैंने प्राइवेट किया। तो अब ये शुरू से ही हो रहा है, जो बिलीव कर रहा है ड्रीम्स पे वो कहते हैं कि जी आप वो हैं, जो नहीं करता वो कहते हैं कि जी आपको या ये शैतान बता रहा है, शैतान हाथ में आ रहा है, या फिर वो आपने अपनी तरफ से ये ड्रीम्स घरे हुए हैं। तो ये मुझे हाँ में भी आया था कि अल्लाह मुझे कहता है कि ये वीडियो बनाओ और इसको अपलोड कर दो और कहो कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, यानी झूठों पे अल्लाह की लानत हो जो इस मामले में झूठ बोले। तो वो फिर मैंने वीडियो बना के तो अपलोड की। तो अब चक्कर मसला ये है कि अब आप लोग बिलीव करते हैं ड्रीम्स का तो आप उस तरफ चले जाते हैं, तो लेकिन इतना कंफर्म है कि आप लोग कभी मेरे मुंह से कभी कोई बड़ी बात नहीं सुनेंगे, इवन बड़ी बात भी नहीं सुनेंगे, दावा तो बहुत दूर की बात। उसकी वजह यह है कि अब आप देखें कि जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो उस वक्त अल्लाह के सिवा मेरा कोई भी नहीं था, यानी मैंने अल्लाह के भरोसे पर यह ड्रीम शेयर करना शुरू किया। वाहे मनुष्य, नसीहत दापत डातंग दारी ओरंग यांग कामू अंगाप लेमाह सेकालीपुन।